Hello, everybody, welcome back to my YouTube channel. In the previous video, we have covered the history of contact lens and the properties of an ideal contact lens material. In this video, I'll explain you about the classification of material of contact lens. Before starting, guys, if you haven't subscribed my channel yet, Take a moment and please subscribe to this channel and stay notified with the new uploads. Classification of the nature of material of contact lens. तो सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज में आए वो थे rigid नॉन गैस परमिएबल कॉन्टैक्ट लेंस आफ्टर देन केम द rigid गैस permeable कॉन्टैक्ट लेंस और उसके बाद आए सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस अब इन्हीं सारे लेंसेज के बारे में एक एक करके हमें डिटेल में पढ़ना है रिजिड, नॉन गैस परमीबल लेंस मटीरियल जैसा कि नेम से ही क्लियर है कि ये लेंस मटीरियल रिजिड थे और नॉन गैस परमिएबल थे इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के लिए इम थे ऑक्सीजन नहीं पास कर सकती थी इन लेंसेज से दीज़ लेंसेज वो मैनुफैक्चर फ्रॉम प्लास्टिक और थर्मो प्लास्टिक मटीरियल प्लास्टिक या थर्मो प्लास्टिक मटीरियल से बने हुए होते थे और जो सबसे पहला प्लास्टिक कॉन्टैक्ट लेंस अवेलेबल हुआ वो था पी एम एम ए और पॉलीमिथाइल मेथेक्रैलेट ये एक्रैलिक एसिड का डेरिवेटिव है इसलिए इसे एक भी बोलते हैं नेक्स्ट आते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पर तो पी की वेटेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है वेटेबिलिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल कॉन्टैक्ट लेंस मटीरियल जो कि लास्ट वीडियो में भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी के साथ ही साथ पी की ऑप्टिकल क्लैरिटी और स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है लाइट वेट होते हैं और इनकी मोल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होने की वजह से इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी इजी होती है डिसएडवांटेजेस ऑक्सीजन के लिए नॉन परमेबल होते हैं जिसकी वजह से कॉर्निया में अनवांटेड चेंजेस हो सकते हैं जैसे कि पीएच चेंज चेंज माइक्रोसिस्ट फॉर्मेशन पॉलीमेगाथिस एट्सट्रा ये लेंसेज हार्ड होते हैं जिसकी वजह से कॉर्नियल एब्रेशन होने के भी चांसेस होते हैं अब इन्हीं डिसएडवांटेजेस या शॉर्टकमिंग्स की वजह से इन लेंसेज को रिप्लेस करने के बारे में सोचा जाने लगा तो हार्ड लेंसेज के रिप्लेसमेंट के बाद जो लेंस मटेरियल आया वो था रिजिड गैस परमिएबल लेंस मटेरियल या आर जी पी अ रिजिड गैस परमिएबल लेंस इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल विद अ विदिक्यूलर स्ट्रक्चर दैट परमिट्स द पैसेज ऑफ ऑक्सीजन बट कन्डेंस नो वाटर सो आर जी लेंसेज ऐसे मटीरियल से बने थे जो कि ऑक्सीजन के लिए फमिएबल थे और इन्हें सेमी सॉफ्ट लेंस भी बोला गया इन आर जी लेंस मटीरियल में जो मटीरियल पहले यूज़ किए जाते थे वो थे सेल्यूलोज एसिडेब्यूटारेट या सी ए बी फिर सिलीकोन और स्टायरीन। अब आर जी में मोस्टली जो मटीरियल यूज़ किए जाते हैं दैट इंक्लूड्स सिलिकोन एकराइलेट एस ए एस और फ्लोरोपोलिमर्स सबसे पहले पढ़ते हैं सेल्यूलोज एसीटेट ब्यूटारेट के बारे में तो आर जी में यूज होने वाला सबसे पहला मटेरियल सेल्यूलोज एसीटेट ब्यूटरेट ही था जो कि वुड सेल्यूलोज से डराइव किया गया था नेक्स्ट इज सिलिकॉन सिलिकॉन की ऑक्सीजन पर्मेबिलिटी तो ज़्यादा होती है लेकिन इसकी वेटिंग क्वालिटीज अच्छी नहीं होती हैं स्टायरिन स्टायरन की भी ऑक्सीजन पर्मेबिलिटी तो अच्छी होती है लेकिन ये ब्रिटल होता है नाजुक होता है और बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी नहीं होता ये तो हो गए वो लेंस मटेरियल्स जो आरजीपी लेंस में पहले यूज किए जाते थे अब हम पढ़ लेते हैं वो लेंस मटेरियल्स जो आरजीपी मैन्यूफेक्चरिंग में अब यूज किए जाते हैं इसमें आता है सिलिकोन और फ्लूरोपोलि सिलिकॉन एकट्स सिलिकोन एकट्स आर कोपोलिमर्स इन वेरिंग प्रपोर्शन ऑफ एक्राइलेट एंड सिलिकन तो सिलिकोन एकट बनता है एकट और सिलिकन के कॉम्बिनेशन से दोनों मटेरियल्स का काम अलग अलग होता है जैसे कि सिलिकॉन प्रोवाइड्स ऑक्सीजन पर्मेबिलिटी एंड एकट प्रोवाइड्स रिजिडिटी तो सिलिकॉन ऑक्सीजन पर्मेबिलिटी देता है और एकट रिजिडिटी देता है नेक्स्ट है फ्ल्यूरोपोलिमर जिसके अंदर आता है फ्ल्यूरोन एकट सो दीज मटीरियल आर द फर्स्ट चॉइस मटीरियल फॉर मेनी ऑफ द प्रैक्टिशनर्स इन लेंसेज की खास बात यह है कि ये बेटर डिपॉजिट रेजिस्टेंट है तो ये कॉन्टैक्ट लेंस पर प्रोटीन डिपॉजिट होने से रोकते हैं ऑक्सीजन परमेबिलिटी भी ज़्यादा होती है और ये सिलिकॉन एकट से ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो ये हो गई आर लेंस मटेरियल की बात नेक्स्ट आता है सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस मटेरियल। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस मटेरियल बना होता है हाइड्रोजेल से जिसमें कि हाइड्रोफिलिक या वाटर लेवन ग्रुप अटैच होता है जैसे कि हाइड्रोक्सल ग्रुप क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होने की वजह से ये मटेरियल्स ज़्यादा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस में मूवमेंट और टीयरिंग कम होने से इसे अडाप्ट करना ईजी होता है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म वियरिंग दोनों के लिए सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस सूटेबल होता है ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता एज़ कम्पेयर टू अदर कॉन्टैक्ट लेंस मटीरियल इसका ऑप्टिक ज़ोन भी भी बड़ा होता है, भी होता है है स्पोर्ट्स एंड ऑल के लिए ये लेंस बेटर क्योंकि जल्दी अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं होता नाउ दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स मटीरियल नेक्स्ट इज अदर टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज हाइब्रिड कॉन्टैक्ट लेंस हाइब्रिड कॉन्टैक्ट लेंस कॉम्बिनेशन होता है हार्ड प्लस सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस का एंड ऑल्टरनेटिव अप्रोच इज़ टू यूज़ अ हाइब्रिड कॉन्टैक्ट लेंस कंप्राइजिंग अ रिजिड सेंडर एंड अ सॉफ्ट स्कर्ट तो सेंटर में हार्ड और पेरी फेरी पर सॉफ्ट ऐसा कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड लेंसेज का इसका एडवांटेज ये होता है कि हाईब्रिड लेंसेज में हमें अच्छी विजन क्वालिटी भी मिलती है रिजिड कैसपर्मेबल लेंस की वजह से और सॉफ्ट लेंस होने की वजह से ये कम्फर्टेबल भी होते हैं तो जैसा कि आप इस इमेज में भी देख रहे हैं ये है हाइब्रिड कॉन्टैक्ट लेंस जिसमें कि सेंटर रिजिड है अच्छा विजन प्रोवाइड करने के लिए और पेरी सॉफ्ट कम्फर्ट के लिए नेक्स्ट इज पिगी बैक लेंसेज इज पिगी बैकिस वेर आर सॉफ्ट लेंसेज फिटेड टू कॉर्निया एंड एन रिजिड कैस लेंस इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ इट तो पिगी बैक लेंसेज में सॉफ्ट लेंस कॉर्निया पर फिट होता है और रिजिड कैस परमिएबल लेंस उसके ऊपर हर एक आई में दोनों लेंसेज यूज होते हैं मतलब कि सॉफ्ट एज वेल एज रिजिड इन लेंसेज की वजह से कुछ पेशेंट में विजन भी इंप्रूव होता है जिसकी वजह से वो आई सर्जरी से भी बच जाते हैं फॉर एवरी एबनॉर्मल कॉर्निया दैट इज़ अनएबल टू अकोमोडेट एनी ऑफ दीज डिजाइन स्क्लेरियल कॉन्टैक्ट लेंसेज मेड ऑफ गैस हैव कम बैक परमीएबल यूज़ तो एबनॉर्मल कॉर्निया वाले पेशेंट के केस में इन लेंसेज को रिप्लेस किया जाता है स्क्लेरियल कॉन्टैक्ट लेंस से गैस परमिएबल स्लेरियल कॉन्टैक्ट लेंस स्क्लेरल कॉन्टेक्ट लेंसेज हैव यूनिक एडवांटेज ओवर अदर टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट लेंसेज इन रीहेबिलिटेटिंग द विजन ऑफ आइज विध डैमज कॉर्नियाज स्क्रल कॉन्टैक्ट लेंस इंटायरली सपोर्टेड होते हैं स्क्लेरा के ऊपर तो कॉर्नियल सरफेस से इनका कॉन्टैक्ट नहीं होता इस वजह से इन लेंसेज का यूज़ हम डैमेज कॉर्निया के भी केस में कर सकते हैं लाइक यू कैन सी इन दस इमेज एज वेल

So this was all for this video, in the upcoming videos we will learn about the contact lens manufacturing process and the optics of contact lens. Thank you for watching, if you have any doubt regarding this topic, let me know in the comment section. Do like the video and subscribe to my channel.